बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलसर्वर टीवी में खुश आमदीद। आज जिस फार्म में मैं आपको लेके जाऊंगा, ये है मेलसिया के करीब अड्डा तरक्की। यहाँ पे जो काम किया है मैं ये दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं सोलर पे, जो सोलर बीएफई इन्वर्टर है, उस पर वीडियो बनानी मैंने शुरू की हुई है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सोलर के लिए बहुत से एरर आते हैं, ख़ासतौर पर उस पर जो इन्वर्टर लगाया जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो मिल सके। इस फार्म पे जो हमने पंखे लगाए हैं, शावरिंग की है और इसके अलावा ये मिल्किंग के लिए जगह बना के दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन काम किया है, उन्हें पसंद भी आया है। पंखों का थ्रो तकरीबन 46 इंच पंखा, एक पंखा 80-80 फीट तक हवा दे रहा है, बड़ी बेहतरीन 80 फीट तक हवा दे रहा है। तो शावरिंग है, इन्हें ये भी पसंद आई। एक साइड पहले कहा था, फिर उसके बाद इन्हें शावरिंग देखी, बहुत अच्छी लगी। दूसरी साइड पर भी कर दें कह रहे जी, फिर उसके बाद उस साइड पर पंखे भी लगवा दिए। वीडियो में तो फील नहीं हो रहा, लेकिन इस वक्त पंखा चल रहा है, जिससे कि मैं खड़ा हूँ, 84 फीट पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी हवा अच्छी खासी फील हो रही है। ये दूसरी तरफ पंखा एक लगवाया भी उन्होंने, जानवर भी उनके पास थोड़े हैं, लेकिन शावरिंग उन्होंने मुकम्मल करवा ली। ये सेकंड मिड में पंखा रखा गया जी, इसके बावजूद हालांकि हवा इंटक आ रही, एक पंखा इन्होंने मिड में लगवा लिया। पैनल हम खुद बनाते हैं, ज़बरदस्त होता है, ऑटोमेटिक होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है इसमें, कि टेम्परेचर पूरा होने पर यह खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसके अलावा इसमें अर्थ लीकेज होती है, खुदा ना खास्ता मोटर शार्ट हो जाए, जानवर कीमती होता है, यह खुद बहुत सिस्टम बंद हो जाता है। इजाज़त दीजिए, मैं हूँ ग़ुलाम शबीर, अलसर्वर ट्रेडर्स खानेवाल से। अल्लाह हाफिज़।